Hello students, till yesterday, till last lecture we have studied about scalar product and cross product both. Now today we will do some numericals on the basis of those products. So the first question we are having is force applied on a body is 2i minus j, means F is equal to is given this, and having displacement S is equal to I cap minus j cap plus k cap. Find work done. We have to calculate work done. Now which product you will apply in on that? Either will you apply dot product, will you apply cross product, which product will you are going to apply? Dekhiye, you are going to find work done, and work done is a scalar quantity, and if you are going to find a scalar quantity as a resultant, then a scalar product will be applied, that means dot product. So work done will be equal to F S F dot S. Now F is 2i cap minus j cap, and displacement is I cap minus j cap plus k cap. Now I ke saath aur j ke saath multiply hoga dot product mein, aur kuch sare multiplication zero ho jayenge. So 2i cap into I cap will be what? This is 2 i cap square, and i cap square is 1, so I will write down only 2, and minus j into minus j will become plus, and j into j will be 1, so it will be 1, so 3, work done is equal to 3 joule, as simple as that. Now we will move towards our second question. देखिए मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज एफ इज इक्वल टू दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस. नाउ फाइंड टॉर्क. यू विल स्टडी अबाउट टॉर्क इन सेवेंथ चैप्टर में आप टॉर्क पढ़ेंगे. तो देखिए टॉर्क होता क्या है, सॉल्यूशन. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है, ठीक है. अब अगर वेक्टर क्वांटिटी आपको रिजल्ट में मिल रही है, रिजल्टेंट के फॉर्म में मिल रही है, इसका मतलब वहां आप क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ. याद रखिएगा, एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है. तो आपने इसको लिखा आर की वैल्यू. अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर. तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. तो ये आई जे के. अब देखिए आर है, तो पहले आर के टर्म्स आएंगे, तो यहां क्या आ गया, ये वन आ गया आई का, जे का माइनस वन आ गया, और के का प्लस वन आ गया. उसके बाद आपने लिखा एफ का, तो टू आई, तो टू आ गया, और ये माइनस वन आ गया, और के का जीरो है, ठीक है. तो फटाफट ये निकाल देते हैं टॉर्क की वैल्यू. तो आई का जब आपको रिजल्ट में आंसर चाहिए, तो आई आपने लिखा, और उस कंडीशन में आपने आई के कंपोनेंट्स को छुपा लिया. अब मल्टीप्लाई किया माइनस वन इंटू जीरो, तो जीरो आ गया, फिर माइनस साइन लगाया, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो इट विल बी प्लस वन, ठीक है. माइनस जे, ये बात तो समझ में आ गई थी कि जे के आगे माइनस लगाएंगे, छुपाया, वन इंटू जीरो जीरो, चलिए टू इंटू वन, उससे पहले माइनस लगा दिया, माइनस का टू, उसके बाद प्लस का के, के छुपाए, के का छुपाया, ये रहा, तो माइनस वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस का साइन लगाया, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस टू. आपने इसको निकाला तो क्या आ गया, आई कैप वन इंटू आई कैप वन आई कैप, माइनस टू इंटू माइनस जे कैप प्लस का टू जे कैप, और माइनस वन प्लस टू, तो प्लस का वन रह गया, प्लस के कैप. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क. ये टॉर्क की वैल्यू आ गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप एंड टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप. आपको इन दो वेक्टर्स के बीच में आपको
वैल्यू निकाल एंगल निकालना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ए एंड दिस इज बी। नाउ ए क्रॉस सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब एन कैप तो का तो मैग्नीट्यूड हो गया वन, हम साइन थीटा लगा रहे हैं अभी। तो देखिए आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अब साइन थीटा का जब कंपोनेंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मतलब कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और नीचे भी दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपने लिखा आई जे के कैप, ठीक है। आई की आपके पास अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, आई के नीचे क्या आ गया थ्री, जे के नीचे वन, के नीचे टू। अब बी के कॉम्पोनेंट्स, बी के कॉम्पोनेंट्स आई के नीचे टू, जे के नीचे माइनस टू और के नीचे फोर, ठीक है। अब देखिए इसका आपने प्रोडक्ट निकाला, तो आई के जब कॉम्पोनेंट्स निकालेंगे तो आई के कॉम्पोनेंट छुपा लिए, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई क्या किया, वन इंटू फोर इस तरह से, तो ये हो गया फोर, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया, टू इंटू टू फोर, और माइनस है तो ये माइनस का फोर, मतलब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको प्लस फोर लिख दूं, ठीक है। उसके बाद माइनस का जे, जे के आगे हमेशा माइनस लगाया जाता है, तो जे के कॉम्पोनेंट्स छुपाइए, थ्री इंटू फोर क्या हो गया ट्वेल्व, और टू इंटू टू क्या हो गया माइनस का फोर। उसके बाद आपने के कॉम्पोनेंट छुपाए, थ्री इंटू माइनस टू क्या हो गया प्लस का के, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, और माइनस का साइन लगाया तो टू इंटू वन माइनस टू। जब इसको सॉल्व किया तो फोर प्लस फोर एट आई कैप, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस का एट जे कैप, प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस सिक्स माइनस टू तो माइनस का एट के कैप। अब इसका आपको लेना है क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एट आई कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस एट जे कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस एट के कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखिए आई कैप का स्क्वायर वन होता है तो वन आ गया और इसका आ गया 64, प्लस अगेन जे कैप वन होता है माइनस हट गया तो ये हो गया 64 प्लस 64 ये आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 64 128 एंड 128 प्लस 64 291, तो ये 192 रूट में, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब आपको मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग निकालने हैं, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालें, तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड देखिए थ्री आई कैप का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस टू के कैप का स्क्वायर, ठीक है। तो थ्री आई कैप का स्क्वायर क्या हो गया नाइन प्लस वन प्लस फोर रूट में, तो ये हो गया 14 रूट में, ठीक है। नेक्स्ट आपने बी का मैग्नीट्यूड लिया, अच्छा लंबा क्वेश्चन है ये, बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 2i का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2j का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 2 का क्या आ गया 4 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आ गया आपका 424, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखी, तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 192 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 24, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू निकल आएगी, तो इस तरह से
आप इनका रूट ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की वैल्यू देख लेंगे कितनी आई है, तो आपको साइन का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। तो देखिए, इसको हमने कहा क्या हो गया, ये ए और ये हो गया बी। अब अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड दिस एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। अब इस एन कैप की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा का मतलब है कि ये इन दोनों का कंप्लीट मैग्नीट्यूड है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी जो भी आ जाता है, नीचे हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने मैट्रिक्स लगा दी, मैट्रिक्स लगाई यहां आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, अब देखिए वैल्यू लिखूंगा मैं ए की, तो आई कैप यहां वन है मैग्नीट्यूड, यहां माइनस वन और यहां वन। ठीक है, उसके बाद बी, बी की वैल्यू क्या है, टू माइनस टू। ठीक है, और ये प्लस वन। अब देखिए आई कैप की वैल्यू आपको लेनी है, आई के कंपोनेंट्स को छुपा लीजिए, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, एक माइनस का साइन आप लगाया, माइनस टू इंटू वन, अगेन ये हो गया माइनस टू, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस टू। चलिए उसके बाद माइनस जे कैप, जे कैप की वैल्यू जे के छुपाए, वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, प्लस के कैप, के कैप में छुपाए तो वन इंटू माइनस टू माइनस टू। ठीक है, माइनस का साइन लगाया और टू इंटू माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू हो जाएगा। चलिए माइनस वन प्लस टू, तो ये हो गया आपके पास क्या, सिर्फ आई कैप बचा, माइनस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस वन बचा, इसको बाहर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का जे कैप, माइनस टू प्लस टू जीरो बचा, तो ये कुछ भी नहीं आया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेना है आपको, तो ये आपके पास आ गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास वन प्लस वन, तो रूट में टू। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू, विच विल बी रिटन एज वन बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब एक चीज देखिए कि जब आपको एन कैप निकालना है तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, और जब आपको साइन थीटा यहां से निकालना है, मतलब अगर साइन थीटा की बात की जाए, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे एंगल निकाल रहे हो, तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे एंगल जब निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऊपर कर देते हैं और नीचे आप दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से साइन थीटा निकाला जाता है और इस तरह से एन कैप निकाला जाता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं टुडे, सॉरी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक
जिसके बिना कोई भी एग्जाम 11th क्लास का पॉसिबल नहीं होता, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दो हैं, एक वर्टिकल प्रोजेक्ट, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कल हम बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलहाल इसको कंप्लीट कीजिए, कल हम पढ़ेंगे वो।